26वीं वाहिनी पीएससी के रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत परेड का आयोजन पीएससी के दीक्षांत परिसर में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आईजी रेंज जय नारायण सिंह के अलावा पीएससी के सहायक सेना नायक और अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि आईजी रेंज जय नारायण सिंह ने परेड का निरीक्षण किया तथा पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस मौके पर ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 आरक्षियों को मुख्य अतिथि आईजी जय नारायण सिंह ने सम्मानित किया। तत्पश्चात 9 आरक्षियों को उनके पद और कर्तव्य की निष्ठा की शपथ दिलाई गई। अपने संबोधन में आईजी जय नारायण सिंह ने कहा कि ट्रेनिंग के बाद अब सभी आरक्षियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब आप लोगों की ट्रेनिंग जनपदों में होगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी जय नारायण सिंह ने कहा, आप देखें आप द्वितीय परेड कमांडर अश्विनी कुमार और तृतीय कमान गोविंद कुमार अपने स्थान को ग्रहण करते हुए पूरे परेड की कमांडर रिक्रूट आरक्षी अभिषेक सिंह के कंधों पर आ गई है। आज के अविस्मरणीय पावन वेला को अक्षुण बनाने के लिए एवं आपके स्वागतार्थ हमारे जवानों ने अपने श्रम सलील से इस परेड ग्राउंड को संवारा है। इसमें श्रद्धा, समर्पण एवं प्रेम की खुशबू को पिरोया है। ये नौनिहाल जो आज हम समाज की रक्षा के लिए ये शपथ लेंगे, ये रेखा, इनकी हरकत, इनकी साज सज्जा, इनका उत्साह, पूरे पठानुगामियों का होता है। अब अगर कहीं कुछ डगमगाया परेड कमांडर तो उसी से प्रश्न पूछते हैं उनके अनुयायी। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य अतिथि आईजी महोदय श्री जय नारायण सिंह साहब सलामी लेते हुए, मुख्य उत्साह से लबरेज अभ्यर्थना करेंगे मुख्य अतिथि महोदय से, अपने अभिभावक से, श्रीमान परेड निरीक्षण को तैयार है कि आप आए, क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि जो होता है वह होने दो। आपके सामने करोड़ों साल से है आदमी का वजूद, निगाह फिर भी तरसती है आदमी। आप गोरखपुर क्षेत्र के मुखिया है, अभिभूत है, आज आप अपनी उपस्थिति से
से सुगंध सौगंध को समाज को समर्पित करने जा रहे हैं और ये कैडेट्स पर वगरना पैरों के संवर्धन के लिए निरंतर तालियों की गड़गड़ाहट की आवश्यकता पड़ती है। मैं अनंत उम्र को एक धर्म सेवा का भाव उन्नत वक्ष प्रबोधित मुख एवं हृदय में गुनगुना हे ईश भारत वर्ष में शतवार मेरा जन्म हो कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो शाबाश मेरे नौ निहालों और ये हमारे नौ निहाल जो समाज की सेवा का प्रत और समाज की सेवा के लिए अपनी आहुति देने के लिए भी निरंतर तैयार रहते हैं इनका एक संदेश है समाज के लिए तभी फूल लगने लगेंगे। किसान का आशीर्वाद अपने अभिभावक मुख्य अतिथि महोदय से प्राप्त करें और दूसरे तैयार रहेंगे चर्च नंबर 218 राहुल कुमार रुके रहेंगे जब प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले करते हुए विशेषतः उस परीक्षा में प्रथम आए हैं चर्च नंबर 100 उस परीक्षा में प्रथम आए हैं चर्च नंबर 218 राहुल कुमार शाह प्रथम आए हैं यातायात नियंत्रण में प्रथम आए हैं फील्ड क्राफ्ट में प्रथम आए हैं चर्च नंबर 141 सभी शारीरिक प्रशिक्षण में प्रथम आए हैं छाप कार्ड में प्रथम आए हैं चर्च नंबर 188 जसपाल गौ मैं पुरस्कार विजेताओं के नाम का उद्बोधन मैं करूंगा। तृतीय समूह में प्रथम आए हैं चर्च नंबर 82 चतुर्थ समूह में प्रथम आए हैं चर्च नंबर में प्रथम आए हैं चर्च नंबर 23 चंदन कुमार में प्रथम आए हैं चर्च नंबर 66 असमूह में प्रथम आए हैं चर्च नंबर 20 सर्वेश कुमार इधर सामने देखो चर्च नंबर 132 अर्पित कौर को क्योंकि पूरे परेड में सर्वांग सर्वोत्तम स्थान प्राप्त ये घोषित हुए हैं परीक्षा ये इधर सामने तो द्वितीय परेड कमांड चर्च नंबर 200 कर रहे हैं जिनके कंधों पर ये प्रथम कमांड चर्च ये सामने थोड़ा जिन्होंने प्रशिक्षण दिया है जिनकी सामिप्यता को प्राप्त कैडर्स को एक कुम्हार और माली की तरह संवारने में इनका योगदान रहा है जी। हेलो सर जी और हाँ इधर थोड़ा देख लीजिए अपना और जब हमारे मुख्य बहुत अच्छा संचालन बहुत बढ़िया सब दोस्त पुलिस विभाग में ट्रेनिंग के उपरांत पासिंग आउट परेड की बहुत ही महत्ता है। यह वो दिन है जो हम अपने 6 महीने के कार्यकाल के बाद ट्रेनिंग के उपरांत
जिसके माध्यम से हम अपने अभिभावकों के मौजूदगी में हम अपनी जो मेहनत और लगन का परिणाम इस परेड के माध्यम से सबको प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों ने जो पिछले 6 महीने में कठिन मेहनत और परिश्रम से आज ये जो ट्रेनिंग संपन्न हुई है उसकी जो आज परेड है बहुत ही आज उच्च कोटि की थी। यह परेड बिना यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ की जो टीम है, बिना उनके मेहनत के संभव नहीं थी। जो समस्त जवान और समस्त स्ट्रक्चर्स इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज के बाद ये जो हमारे जांबाज हैं ये फील्ड ट्रेनिंग के लिए अपने अपने जनपदों में जाएंगे। अभी इनकी ट्रेनिंग का दूसरा हिस्सा जनपदों में प्रारंभ होगा। आप लोगों ने यहां पर जो सिखलाई इंडोर की और आउटडोर की आपने यहां पर की है, इसका प्रैक्टिकल लूप आप फील्ड में देखेंगे। शपथ लेता हूं विधि विधान के प्रति मैं के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन विधि के अनुसार पूर्ण साहस निर्भीकता एवं उत्साह से करूंगा। मैं यह भी शपथ का पालन पूरी निष्ठा निष्पक्षता चैतन्यता परिश्रम एवं पवित्र अंतःकरण के साथ करूंगा। कि इस प्रांगण में जाते हैं सिविल पुलिस के जाते हैं जवान का आज पासिंग आउट परेड यहाँ संपन्न हुआ। और जैसा कि सभी को पता है कि आज पूरे प्रदेश में जो 6 माह पूर्व जाते हैं लगभग 30,000 पुलिसकर्मियों की जाते हैं ट्रेनिंग प्रारंभ हुई थी, आज उसी परिपेक्ष में जाते हैं पासिंग आउट परेड आयोजित की गई है। जनपद लखनऊ में के भी जो लगभग पासिंग आउट परेड के बाद लगभग 700 आरक्षी के लगभग 700 आरक्षी के करीब जो है जवान गोरखपुर पुलिस को भी प्राप्त हो रही हैं। और ये जवान भी जो यहाँ पर हैं ये विभिन्न जनपदों में जाएंगे और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे।